कभी आपने सोचा भी ना हो ख्वाबों में ख्यालों में, और वो मुकाम आपको हासिल हो जाए तो ज़रा सोचो कितनी खुशी होती है। कहते कि जो हमारी किस्मत में भी नहीं है वो सिर्फ तो सिर्फ सद्गुरु ही हमें दे सकता है, जो हमारे कर्मों में भी नहीं है वो सद्गुरु हमें दे सकता है। सिर्फ तो सिर्फ क्या है कि सद्गुरु के वचनों पे और सद्गुरु पे पूर्ण विश्वास करना होता है कि सद्गुरु देह का नाम नहीं, सद्गुरु होता ज्ञान है, सद्गुरु को देह समझना भूल है अज्ञान है। कहते हैं अगर सद्गुरु को आप शरीर समझते हो तो ये समझ लो कि अभी आपको ज्ञान समझ में नहीं आया और आपको वो मुकाम भी हासिल नहीं होगा। जो कहते हैं दुनिया की सारी खुशियां तब मिलेंगी बिन मांगे, जो कर्मों में भी नहीं होगा, जो ख्वाबों में भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा होगा कभी, वो तब मिलेगा जब आप सद्गुरु को शरीर नहीं समझेंगे। क्योंकि सद्गुरु अगर शरीर है तो वो यहाँ बैठा है, बाकी जगह तो कहीं नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं कहीं नहीं है। तो इतने लाखों करोड़ों अरबों श्रद्धालुओं भक्तों की मुराद कैसे पूरी होती है, सुनता कौन है? इसीलिए तो कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। तो जिस जिसने कहते ना ज्ञान लिया है मुबारक के पात्र हैं, सेवा सत्संग से जुड़े मुबारक के पात्र हैं, और कहते हैं सेवा सत्संग और सिमरन तो अपने आप हो जाता है। जब से सत्संग से हम जुड़ जाते हैं धीरे धीरे हमारी सेवा और सिमरन करने की आदत पड़ जाती है। मगर सद्गुरु पे विश्वास करके चलो और कुछ सोचो नहीं, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, वो मुकाम हासिल हो जाएगा जो कहते रहे मेरी औकात नहीं है। औकात से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा हर एक ख्वाब पूरा होगा। एक छोटी सी बात था आपके सामने शेयर करने जा रहा है, बड़े ध्यान से सुना कि आज जो मुकाम हासिल है, आप जो जानते हैं YouTube पे वीडियो डालता हूँ, हर कोई डालता है, हर कोई कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई कॉमेडी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता, तरह तरह के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लोग अपलोड करते हैं। मगर कहते काबिलियत मिल जाए, मुकाम हासिल हो जाए, ये हर कोई चाहता है। मैं पहले वीडियो YouTube पर डालता था मगर हमें कुछ पता नहीं, बस शौक शौक में डालता रहता था, अच्छा लगता था। फिर किसी ने बोला कि पैसे आते हैं आपके, मैं पैसे इससे पैसे बोला YouTube पर पैसा मिलता है, मैं अच्छा। तो इतना तो फिर धीरे धीरे पता चला कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे होने पे चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद पैसा आता है। तो अब मैं करता गया, चैनल मोनेटाइज भी हो गया, अर्निंग भी हो गई और पैसे बनते हैं, वो बात अलग है कि थोड़े बनते हैं, मगर मुकाम देने वाला है सद्गुरु है। हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, यूट्यूबर तो बन गया। आज के टाइम पे 16000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस में हो रहे हैं, बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे जैसा वीडियो रैंक करता है। अभी उतनी जानकारी तो नहीं है कि वीडियो रैंक कराऊं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं आप लोगों की सपोर्ट से, एक दिन वो भी मुकाम हासिल हो जाएगा जब लाखों में व्यूज जाएंगे। अभी तो बीच में पहले जाते थे, अब थोड़े कम जाते हैं, मगर कहते हैं इसके पल्ले छोड़ दो और चुपचाप काम करते रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अभी कल की एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको कि कहते हैं ना कि हमारे साथ अच्छा होता है, कुछ मिल जाता तो भी अच्छा हुआ, कुछ चला गया तो भी अच्छा हुआ, जेब भर गई नोटों से बहुत अच्छा हुआ, और जेब खाली हो गई तो भी अच्छा हुआ। कल ऐसी बात हुई, कल दुकान पर आया, कल दास को सेवा मिली सत्संग की, कैश पैसा आया जो तो था, वह प्रसाद ले लिया। अब वहाँ गया सत्संग में, पता चला कि वहाँ कुछ प्रसाद में कमी आ रही है, मोबाइल में कुछ पैसे थे फोन पे, एकदम से ख़त्म कर दिए। मैं कुछ नहीं बोला, तू ही रंकार, बस इतने बोला, ये नहीं बोला कि हमें ये दे दो। और उससे पहले हमारे फ़ोन पे ना जाने कितनी मिस कॉलें थी, तो फ़ोन किया, पता चला मुझे
आया दुकान पे तो माया आ गई अपने आप बिन मांगे। वास्तव में अगर मैं ये सोचता अरे यार जो मोबाइल में कुछ चंद पैसे पड़े थे वो भी गए, कैश था वो भी गया, आज तो खाली जाना पड़ेगा घर पे। मगर तू ही निरंकार अंदर से कहते ना प्यार वाली मुस्कुराहट खुशी की लहर दौड़ रही, बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप सभी से कहते हैं सतगुरु को आगे हम कुछ मांगे ना, अपने आप देता है, अपने आप देता है और वो मुकाम दे देगा जो आपकी औकात में भी नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो गए धनंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।